वेलकम बैक टू माय चैनल, ऑल इज हियर बाय प्रिया। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल जो मार्केट में प्रीमिक्स मिलता है ना, उस प्रीमिक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने सुना, मार्केट वाले प्रीमिक्स की रेसिपी, जो कि आप घर पर बहुत ही कम बजट में बना सकते हैं और आपका केक 100% बिल्कुल वैसे ही राइज होगा। तो इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चॉकलेट प्रीमिक्स बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, ये पैकिंग वाला है, जब भी लीजिएगा तो पैकिंग वाला लीजिएगा। 1/2 कप शुगर ली है घर की पीसी हुई, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड जो मैं वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, 1/4 कप मैंने लिया है कोकोआ पाउडर, डार्क वाला कोकोआ पाउडर है, 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। ध्यान रखिएगा, जब भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स लीजिएगा तो इन्हें अच्छे से छान लीजिएगा। इन्हें छानने से ना जो भी इंग्रेडिएंट्स में गांठे हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने काफी अच्छे से छान लिया है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो इस तरह से छन्नी में आ गया है, तो उसे हम हटा देंगे। तो ये देखिए, हमारा होममेड चॉकलेट प्रीमिक्स बनकर तैयार है। इस प्रोसेस को आप मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड करने के बाद आपको इसे फिर से स्ट्रेनर से स्ट्रेन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए, परफेक्ट होममेड चॉकलेट प्रीमिक्स बनकर घर पर तैयार है, वो भी बिल्कुल बेकरी स्टाइल। आप चाहे तो यहाँ पर डार्क कोको पाउडर की जगह पर जो नॉर्मल वाला आता है उसे भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ कलर का थोड़ा सा फर्क आएगा। यहाँ पर देखिए, प्रीमिक्स को मैंने एयरटाइट कंटेनर में फिल कर दिया है। बाहर रखकर इसे आप 3 महीने तक इसकी सेल्फ लाइफ रहेगी। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे 6 से 7 महीने तक यूज कर सकते हैं। इसी प्रीमिक्स से देखिए, मैं 1 कप प्रीमिक्स ले रही हूँ और इसी से मैं आपको आज का स्पॉन्ज बनाकर दिखाऊंगी। आप देखेंगे फिर कितना अच्छा हमारा स्पॉन्ज राइज होता है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 1 कप प्रीमिक्स लिया है। 1 कप जिसे मैंने प्रीमिक्स लिया था उसी से वाटर लिया है और थोड़ा थोड़ा वाटर एड कर इसे मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा, हर एक प्रीमिक्स में कम या ज्यादा पानी लगता है, तो एक साथ पानी कभी भी ऐड मत करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमें स्मूथ हैंड से काफी अच्छे से इसे मिक्स करना है जिससे इसमें कोई लम्स ना रहे। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने अनफ्लेवर्ड ऑयल ऐड किया है, यानी कि रिफाइंड ऑयल। केक टिन को मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर इस पर मैंने मैदा डस्ट कर दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी काफी अच्छे से केक बेक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसे केक टिन में सारे बैटर को इस तरह से पलट लिया है, 1 से 2 बार टैप करेंगे जिससे जो भी एयर बबल्स हो रिमूव हो जाए। आज हम केक बेक करेंगे कुकर में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुकर को 5 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ये काफी अच्छे से प्री हीट हो गया है। कुकर के अंदर मैंने इस तरह से एक रिंग स्टैंड रखा है और इस तरह से केक टिन को रख कर कुकर की विस्क निकाल कर 30 मिनट के लिए बेक करेंगे लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर देखिए, 30 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, सेंटर में इस तरह से टूथपिक इंसर्ट की है, देखिए काफी क्लियर निकली है, यानी केक हमारा बेक हो गया है। यहाँ पर मैंने केक को ठंडा कर लिया है और इसको साइड से अच्छे से नाइफ के थ्रू स्क्रैप करेंगे। एक टैप किया, देखिए केक हमारा कितने बढ़िया से रिमूव हो गया। और यहाँ पर देखिए, मैं इसे प्रेस कर रही हूँ, देखिए ये बिल्कुल फिर से ऊपर की साइड में उठकर आ जा रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट बेकरी स्टाइल होममेड प्रीमिक्स से स्पॉन्ज बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से आप भी घर पर कम बजट में चॉकलेट प्रीमिक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं और यकीन मानिए, इसका टेस्ट भी माइंड ब्लोइंग है। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करिएगा, इससे मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। चलिए फिर से मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर watching।